नमस्ते दीदी. तो सिनेमा प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है. तो सबसे पहले आप अपना खुद का एक इंट्रोडक्शन कि आपका नाम, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से आते हैं और वो सारी चीज़ें है ना. आप हाँ, और आप कैमरे में देख सकते हैं, मेरे से देख के कैसे भी जैसे भी आप बात करना चाहें वैसे आप कंफर्टेबल होने चाहिए बस, है ना. जिला रामपुर जी, जिला बरेली. अच्छा. और दर मीरगंज, तहसील मीरगंज. मीरगंज. अच्छा मीरगंज जी. और ससुराल है रामपुर. अच्छा. जिला रामपुर की जी. जी पियर. अच्छा. जिला बरेली की. अच्छा. हाँ. जी हाँ. आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ना कोई सही गलत आंसर नहीं है. तो सबसे पहले सवाल है कि आपको याद है आपने पहली बार सिनेमा कब देखा था? अगर आपको याद है कौन सी फिल्म या कब देखा था, कैसे देखा था, कुछ अगर याद आ रहा है आपको तो. हाँ, उस टाइम तो कुछ पता नहीं है ना. उस टाइम तो गाँव में उस टाइम ये चीजें कहाँ चलती. कम से कम वही 10-15-16 साल के बाद ही देखा था. तो पहली बार जब देखा था जब 10-15 साल के थे. हाँ, जब शादी हो गई अभी उसी टाइम. अच्छा. हाँ. जी तो कहाँ देखा था, कुछ याद आ रहा है कौन? नहीं, अपने घर में देखा था. टीवी अपने घर में. अच्छा, टीवी में देखा था सबसे पहले. पापा अपने घर में लेकर आते तो सीरियल वगैरह, वो जो उस टाइम सीरियल वो आता हो ना उसका, अलिफ लैला. अच्छा. हाँ. जी जी. तो वो शाम के लिए वो देखते थे. अच्छा. और पिक्चर में करके वो नागिन, जो पुरानी पिक्चर है. नागिन पिक्चर. नागिन. यही देखी पहले. अच्छा. और थिएटर में पहली बार आपको याद है कब देखा, अगर कभी देखा होगा तो? नहीं, बाहर कहीं ना गए. अच्छा. आपने कभी थिएटर में? नहीं नहीं, कहीं बाहर कहीं नहीं गए ना. शादी से पहले ना शादी से बाद. अच्छा. हमेशा टीवी पे देखी. बाहर हमेशा टीवी पे. अपने घर में भी अभी सीरियल वगैरह में देखते हैं, घर में देखते हैं. अच्छा. बाहर कहीं ना गए. अच्छा. तो ऐसे सिनेमा देखने का चलन कैसा था जब आप बड़े हो रहे थे आपके आसपास? तो उस टाइम पे मतलब बहुत. उस टाइम पे सादा टीवी चलती थी, रंगीन वाली तो ही नहीं. उस टाइम सादा वाली थी, रंगीन नहीं थी. अच्छा. अब भी हमारे घर में तो अब भी कलर वाली नहीं, अब भी सादा ही है. वही सादी वाली. सादा वाली टीवी. हाँ. अच्छा. हाँ. एचडीटी वगैरह अब भी नहीं है. जी. पर मतलब जैसे फिल्में देखने का शौक रहा है आपको? सीरियल वगैरह बस देख लेते हैं, ज्यादा फिल्म वगैरह पिक्चर वगैरह कहीं नहीं जाते. अच्छा. फिल्म वगैरह देखने का शौक नहीं है. अच्छा. नहीं, शादी हो गई तब भी कहीं ना गई, अब शादी के बाद भी कहीं नहीं गए. अच्छा. पर अभी जो आपके जैसे बच्चे हैं उनको सिनेमा देखने का शौक है? उनको वो कार्टून वगैरह देखने की शौक है. अच्छा. पर फिल्में ऐसे नहीं, टीवी पे देखना. अच्छा. अपने घर में देख लेते जो भी सीरियल वगैरह आए जी, और या जो कार्टून वगैरह बच्चों के, बस वही देख लेते. अच्छा जी. उसके अलावा जैसे सिनेमा पहले तो बहुत चलन था, लोग थिएटर में जाते थे देखने. नहीं, हम कहीं और सब. अच्छा. तो अब आपको ऐसा बदलाव लगता है कि अब लोग नहीं जाते सिनेमा देखने? कहाँ जाते हो, कहाँ जाएंगे अब. आपको संगीत सुनने का, म्यूजिक सुनने का शौक है आपको? अच्छा. तो आप कुछ बता सकते हैं कैसे संगीत सुनते हैं और क्या पसंद है आपको सुनने? घर के बीन बाजे और हल्का होता है जी. हाँ. अच्छा. तो जैसे कैसे सुनते हैं आप? जैसे अभी आपको सुना हो तो रेडियो है या वो सिस्टम टीवी पे सुनते हैं, या पहले कैसे सुनते थे? टीवी पे ही वो आते हैं वो ना, और घर के शादी वगैरह में बीन बाजे बजते हैं पहले. हाँ, हाँ. अच्छा. हाँ. और पहले जब सुनना होता था ऐसे कुछ तो वो कैसे, रेडियो था आपके पास? हाँ. अच्छा. पहले वो चलते ना थे. बड़े बड़े रेडियो चलते बस FM से. हाँ, लगा के खोल के रख दो FM वगैरह से चल रही है करके.
टेबल पर रख दो तो चल सुनने अपने आप ऊपर से आते रहते हैं। तो वो सुनते थे। ऐसे कुछ पसंदीदा आपके कोई गाने हैं जो आपको पसंद है बहुत ज्यादा कि हाँ ये गाना आ रहा है तो आप सुनेंगे ही पक्का, ऐसा कोई गाना? हाँ पिक्चर में जैसे उसमें एक पिक्चर वो है जो निगाहें पिक्चर है, निगाहें, हाँ वो वाला मुझे गाना बहुत पसंद लगता है जो उसमें आता है सावन के झूले में तुझको झुलाया। अच्छा, अरे वाह, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर। हाँ हाँ वो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने पिक्चर देखी निगाहें? हाँ वो तो हमारी उस पर आती है मेरे, हाँ टीवी पे आती है, हाँ हमारी यहाँ आती है, जब आती है तो उसको पूरी देखती हूँ। अच्छा हाँ, और गाने आप बताएं ऐसे अच्छा जो आपको पसंद है। ये वाली अच्छी लगती है, एक वो है नांगिन नाचे गली गली, जी नांगिन नाचे गली गली। अच्छा, एक बंजारन पिक्चर है, बंजारन, हाँ, अच्छा जी, हाँ, ये अच्छी लगती है। घर के वही जो पुरानी पिक्चर तो सबसे पहले वही है नांगिन वारी, बस यही दो तीन पिक्चर अच्छी लगती है मेरे को, इन्हीं के गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अभी अगर जैसे टीवी पे आ जाती है फिल्में, हाँ, तो आप देखते हैं पूरी? अच्छा। हाँ, जिस दिन आती है मेरे ये जैसे हमारे ये वो नहीं है ना लगा वो रिचार्ज वाली नहीं है, अच्छा। तो खाली जो जो फ्री वाला चैनल चल रहा हो ना वो ही लगा रखा है। अच्छा, तो उस पर ऊपर से ही जब मर्जी होती है तो कभी आती है रात में कभी दिन में, तो जब घर में होती है तो मेरे सामने आती है तो देख लेती है पूरी पिक्चर। अच्छा, अरे तो अभी जैसे जैसे पहले सब पूरी पूरा परिवार बैठ के फिल्में देखता था, वैसा अभी भी होता है कि सब बच्चे बूढ़े सब अपना काम देखता है? खाना बनाती जाता हूँ जैसे अभी घर में जाऊँ तो जब चलती हुई सीरियल वगैरह तो मैं देखती जाता हूँ, काम करती जाता हूँ। अच्छा। और खाना वगैरह बनाती जाता हूँ अपने घर में, बच्चे सब बैठ कर देखते हैं अपनी। अच्छा, आपको ऐसा लगा है कभी भी कि जैसे जब आप बड़े हो रहे थे या ऐसे कि आदमियों को ज्यादा खुली छूट थी और महिलाओं को थोड़ी पाबंदी थी? ऐसा बहुत ज्यादा गाँव में तब भी है, गाँव में अब भी है कि महिला वगैरह लेडीज वगैरह बाहर नहीं जाए, घर में ही रहे जी, और आदमी से ऊपर बात नहीं करें, नीचे ही बात करें बस। वो भी है गांव में भी है जी। हाँ, अभी शहरों में भी ऐसा लगता है? शहर में भी है, बहुत कम है शहर में तो जी। हाँ, गांव में तो ज्यादा है अभी, और जो आदमी कहेगा वही करेगी और तो वो सही लगता है कि नहीं गलत है, बदलना चाहिए? अब तो सब बदल ही रहे हैं, अब तो ये बोल रहे हैं सब कि औरत में और आदमी में क्या फर्क है। सही बात, अब तो सब लोग यही समझ रहे हैं ना, मगर जो पहले के संस्कार ही औरत है और आदमी वो अब अभी आदमी से नीचे दबके रह रहे हैं। जी जी, पर वो ऐसा भी लगता है आपको कि जैसे शायद आपके पति ने शायद ज्यादा फिल्में देखी हो और उनको ज्यादा आजादी मिली हो? उनको भी शौक नहीं है। अच्छा, उनको भी शौक नहीं है। अपने घर में वैसे तो सीरियल वगैरह को चाहेंगे तो वही देख लेंगे साथ साथ, उनको समाचार सुनने की ज्यादा वो। अच्छा, तो समाचार वगैरह आता है ना, न्यूज आती है, न्यूज की ज्यादा उनको शौक, न्यूज ज्यादा वो देखता है, उनको ज्यादा शौक नहीं है। अच्छा, और फिर काम धंधे में पर कहाँ जाओ? सही बात है, सबसे बड़ी बात तो ये आदमी के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा होना चाहिए बाहर के लिए जाने को, सही बात है, और टाइम होना चाहिए। पहले फिर भी शायद सस्ती हुआ करती थी फिल्में देखना और फिल्में ला के देखना घर पे, अब महंगा हो गया ऐसा आपको लगता है कि? हाँ, अब तो बहुत महंगा हो गया। नहीं, जो शादी विवाह की होती है जैसे अपने गांव में हमारी शादी वगैरह होती है भाई बंधन की, उनकी तो अपने जो होता है टीवी पे ही अपने कैसेट वगैरह बनाते हैं ना शादी की, वो अपने घर में ही देख लेते हैं सब चला करके। अच्छा, हाँ, आपकी शादी की बनी थी टेप? मेरी शादी की नहीं बनी, मेरे भाई इनकी सबकी बनी है। अरे अच्छा, तो छत पर रख के और सब देख कुछ देख लेता। अच्छा, जिसकी देखने को मन होगा आज उसकी शादी की वीडियो देखेंगे, तो पूरी फैमिली की सब गांव वाले सब मिलकर सब छत पर बैठ कर देख लेता। अच्छा, जो कैसेट में रिकॉर्ड होती थी पहले, कैसेट होती है ना, कैसेट बना के रख लेता है तो उसमें लगाते हैं, तो LCD चल रही है और वो कंप्यूटर वगैरह, हाँ, तो उसमें डाल वो अपने गाँव सब देख लेते बैठ के ऊपर। अच्छा, तो पर अगर
अगर आप ऐसा लगता आपको कि शायद आपके टाइम पे होता तो आपकी भी शादी रिकॉर्ड होती तो लगता ही अब दूसरे के देखो तो हाँ कि हमारी शादी की फिल्म नहीं बनाई है ऐसी पहले मीडियो पहले की बनी हुई थी तो हम भी देख लेते बच्चों को दिखाते अपने सही बात है ना ये कैसे करके ऐसे शादी हुई वो भी अपने आप में एक फिल्म जैसी ही है हाँ। जो वो होती थी सही बात है अच्छा मैं ज्यादा समझ नहीं लूंगा आपका आपकी कुछ मन पसंदीदा फिल्में अगर आप जो कि अगर चल रही होंगी तो पक्का देखेंगे या कुछ हाँ, चल रही होंगी तो देख ही लेते तो उनके कुछ नाम आप बताइए और आपको क्यों पसंद है वो इतनी तो जैसे कुछ नाम अगर आप बता सके फिल्मों के नाम बताए ना मैंने अभी हाँ उससे आप बता दीजिए हाँ एक निगाह पिक्चर हो गई निगाह पर निगाह इतनी पसंद क्यों है कि मतलब यार ये तो देखेंगे उसमें वो जो श्रीदेवी है हाँ, अच्छी लगती है वो अच्छा हीरो भी उसमें अच्छा है सनी देओल है वो है हाँ, जो नहीं वो क्या नाम है उसका सनी हाँ सनी देओल हाँ सनी देओल जो नाम है क्या अभी भूल गई मैं कोई बात नहीं हाँ। वो श्रीदेवी अच्छी हाँ, लगती है ना सारी जितनी पिक्चर है उसकी वो सामने अच्छी लगती है अच्छा श्रीदेवी पसंद है हाँ बहुत अच्छी लगती है वो हाँ। सारी जितनी पिक्चर है उसकी सब अच्छी लगती है अच्छा। एक निगाह पिक्चर हो गई एक नगीना हो गई नगीना हाँ। और भी श्रीदेवी हाँ, हाँ। नगीना हो गई निगाह हो गई और ये हमारी वो सावन के झूले में सावन के झूले हमको जुलाई में परदेसी वापस आए ये हमारी बहुत गाना बहुत अच्छा लगता है जी और एक वो अगर के उसमें वो है ना उसमें भी श्रीदेवी है मगर वो उसमें हीरो दूसरा है चांदनी हाँ वो भी बहुत फेवरेट पिक्चर हाँ, हाँ पुरानी पहले की हाँ बस यही दो तीन पिक्चर मेरे को अच्छी लगती है अच्छा और कौन से वो हीरो और हीरोइन कौन से अच्छे अच्छे लगते हैं जो आपको बहुत पसंद है कि हाँ इसी पिक्चर में तो देख सकते हैं एक तो यही हो गया मेरे को यही लगता है एक शाहरुख खान है शाहरुख खान हाँ एक सनी देओल हो गया हाँ एक और है उनका नाम नहीं आ रहा है मेरे को अजय देवगन अजय देवगन अजय देवगन उसकी पिक्चर अच्छी अच्छी लगती है हाँ और हीरोइन में जो जैसे श्रीदेवी हुई और श्रीदेवी हो गई जी और एक वो हो गई वो विद्या भारती मार दई ना हाँ उसकी भी पिक्चर अच्छी लगती अच्छा विद्या भारती है श्रीदेवी है गुरी चावला है अच्छी लगती है ना ये अच्छी ठीक है आपको ऐसा लगता है अब मतलब मेरा हो ही गया है लगभग मेरे को और ऐसे कोई सवाल नहीं है पर अगर ऐसा आपको लगता है कि मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और आप कुछ ऐसे बोलना चाह रहे थे तो वो आप अभी बोल सकते हैं नहीं, कोई नहीं, नहीं, कुछ भी अगर आपको ऐसे कुछ सिनेमा के बारे में बात करनी है कोई याद है जो आपको पसंद है बहुत सिनेमा से या कुछ भी है तो आप अगर बोल सकते हैं नहीं तो खत्म कर सकते हैं मेरे को तो बस ये सीरियल वगैरह अच्छी लगती है पिक्चर तो एक दो तीन अच्छी लगती है सीरियल वगैरह भी हमारे तो चैनल पर आते रहते हैं जो भी चल रहा है उसका वो देखे सीरियल जो अभी चल रहा है मामा भी तो हिंदी में ही है डोली सजा के आई अच्छा ये वाला सीरियल चल रहा है अच्छा हाँ। उसको नाटक मेरे पापा आता है 4 बजे आता है शुरू हो गया वो अच्छा हाँ। अब मिस हो रहा है आपका भी हाँ शुरू हो गया वो एक वो है कहीं एक शाम को आता है उसका अच्छा किस पे आता है कौन से उस पे आता है वो चैनल मैं चैनल पे उस पे आता है वेब देखी वही वैसी होता पत्ती सी होती है अच्छा हाँ उस पे चैनल पे आता है लाल रंग की पीले रंग की एक पत्ती सी है नंबर वगैरह मैं देखे नहीं है भूल गई नंबर अच्छा हाँ उस पे आता है ठीक है अच्छा ठीक है बस हो गया मेरा है ना मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा धन्यवाद चलो देख ली 4:30